हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम पन्ना की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस गर्मियों में अपने बच्चों को दे हेल्दी और ठंडी सी ड्रिंक। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। पन्ना बनाने दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो कच्ची आमें ली हुई हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इनको वॉश करके हम कुकर में रखेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी कम से कम एक ग्लास पानी। यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी डाला है और इसका ढक्कन लगा के हम इसमें विसल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे कम से कम दो सीटी लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें दो सीटी लगाई थी और ये अच्छे से बॉईल हो गई हैं। यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। बॉईल होने का मतलब आपको तब पता चल जाएगा कि इनका कलर बिल्कुल थोड़ा येलोइश हो जाएगा, देख रहे हो आप, बिल्कुल एकदम पके हुए जैसा कलर हो जाता है। और यहाँ पे मैं इनको पूरे तरीके से ठंडा कर लूँगी। हमारी आमी यहाँ पर ठंडी हो चुकी हैं और इनको मैं छील के इनका पल्प निकाल लूँगी। यहाँ पर एक चम्मच की मदद से मैं इनका पल्प निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने सारा पल्प निकाल लिया है अपनी आमियों का। अब दोस्तों, लेंगे हम एक यहाँ पे मिक्सी जार, उसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये मैं डालूंगी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपना ये आमी का निकाला हुआ पल्प। पल्प के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी दोस्तों आधी चम्मच सफेद नमक। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, वो भी मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी काला नमक, काला नमक भी मैं इसके अंदर डालूंगी आधी चम्मच। बाकी नमक आप दोस्तों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। मैं यहाँ पर चार चम्मच चीनी डाल रही हूँ और इन सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और आपके पास कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आएगी, एकदम ऐसी ग्लॉसी ग्लॉसी गाढ़ी गाढ़ी, इतना थिक रहेगा ये। और ये मेरा आम पन्ने का कंसंट्रेट एकदम तैयार है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे लेंगे हम एक ग्लास, उसके अंदर डालेंगे दो चम्मच आम पन्ना। तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी आइस क्यूब। मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 आइस क्यूब डाले हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। बच्चों के लिए दोस्तों, आप बना रहे हो तो नॉर्मल वाटर का यूज़ करें, क्योंकि बर्फ भी इसके अंदर जा रही है तो वो कुछ ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। गर्मी में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बच्चे इसको पिए। बाहर का रसना वगैरह बच्चे बहुत ज़िद करते हैं पीने के लिए, तो अच्छा होगा कि आप इसे घर पे बनाओ और बच्चों को दो, वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे और जो इसका फ्लेवर है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका एक टैंगी फ्लेवर होता है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपका घर पर आम पन्ना बन के एकदम तैयार है। ये ड्रिंक दोस्तों गर्मी में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। और साथ ही साथ ये जो कंसंट्रेट हमने बनाया है आम पन्ने का, इसको आप फ्रीज में रख के 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो, यानी आप मिनिमम 1 वीक तक इसको स्टोर कर सकते हो। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो सही रहेगा कि आप 1 वीक तक का ही बनाओ, उसके बाद आप दोबारा एक फ्रेश बैच तैयार कर लो। ज़्यादा बना के रखना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उनके लिए सही रहेगा कि हम उन्हें फ्रेश बैच बना के दोबारा से दें। अगर आपके बच्चों को पसंद आए तो आप इसे दोबारा दोबारा बना सकते हो। और गर्मियों में ये बच्चों के लिए इतना अच्छा है कि वो जो बाहर स्कूल जाते हैं या गर्मी छुट्टी में जब वो बाहर खेलते हैं धूप में, तो लू वगैरह लगने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बच्चे इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पुदीने के पत्ते के साथ और नींबू के स्लाइस के साथ गार्निश करा है। बच्चों को ऐसी क्रिएटिविटी बहुत पसंद होती है, जब वो देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ तो वो उसे पीने के लिए ज़रूर आकर्षित होते हैं। तो आप बच्चों को इसे दे सकते हो, बहुत ही आसान ड्रिंक है दोस्तों। गर्मियों में ये स्पेशली बनाई जाती है, क्योंकि ये आमियाँ गर्मियों के ही मौसम में आती हैं और उसी टाइम ये बनाई जाती है। तो आप मेरी रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करो और अपने बच्चों को सेफ रखें और हेल्दी रखें।